अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गोभी गोश्त बनाना बताऊंगी। गोभी गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमारा 500 केजी गोभी है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है, और ये हमारा 1 केजी मीट है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही आसान और जल्दी तरीके से गोभी गोश्त बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर मीट को ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा कुकर है। अब हम इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। ये आधे से थोड़ा ज़्यादा और, ये हमने 2.75 कोरिएंडर पाउडर डाला है, जिसे हम धनिया पाउडर भी बोलते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। आप जितनी भी खाते हो अपने हिसाब से डालिए। ये हम 2 से थोड़ी कम डाल रहे हैं। ये हमने लाल मिर्च 2 चम्मच से थोड़ी कम डाली हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये हमने 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। ये हमने इसमें हल्दी डाली है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये हमारा कुकिंग ऑयल है। हम सिर्फ 2 ही चम्मच डालेंगे। अगर हम इसका आपको मेज़रमेंट बताएं तो ये एक छोटी बाउल के बराबर है। अब हम इसमें लहसुन अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसमें हमने 3 प्याज ली हैं, 1 लहसुन की पुट्ठी ली है और थोड़ी सी अदरक ली है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कुकर की लिड बंद करेंगे और इसके अंदर हम 4 सीटी आने के बाद इसे खोल कर देखेंगे कि हमारा जो मीट है वो अच्छे तरीके से गला है या नहीं। उसके बाद हम बताते हैं आगे आपको क्या करना है। हमारे कुकर में 4 सीटी आ गई हैं। अब चलिए खोल कर देखते हैं कि हमारा मीट कैसा बना है। ये देखिए, हमारा मीट इस तरह से बन गया है। बस हम इसे चेक करेंगे कि ये गला है या नहीं। अगर ये नहीं गला है तो हम इसमें 1 सीटी और लगाएंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर ये हमारा गोश्त भूनकर तैयार है और ये काफ़ी अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर ऊपर तरी आने तक इसे भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर गोभी डालेंगे। ये देखिए, हमारा गोश्त भूनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा और बे लीव्स डालेंगे। ये हमारी बे लीव्स हैं और ये हमारा ज़ीरा है। इसे अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट तक। हम आपको भून कर दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर गोभी को ऐड करेंगे। ये हमारा गोभी है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया था और इसे इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। हमने जो इसके जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हम वो नहीं डालेंगे। हम सिर्फ यही डालेंगे।
ये गोभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हम इसके अंदर ये एक ग्लास भरकर पानी डालेंगे। हमें इसमें जितना शोरबा रखना है हम उसी हिसाब से पानी डालेंगे। ये हमने दूसरा ग्लास डाला। हम इसमें एक ग्लास और पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे और फिर हम आपको चेक कर कर बताते हैं कि गोश्त और गोभी हमारा कैसा बना है। अब हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी के बाद हमारा गोभी गोश्त कैसा बना है ये देखिए। गोभी भी गल गया है और गोश्त तो हमारा गल ही गया था। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा गोभी गोश्त बनकर तैयार है। बस हम आपको ये सर्व कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारा गोभी गोश्त बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।